तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई मेरा नाम है स्वप्निल दसवास्ता। तो भाई आज हम लोग आए हैं रायगढ़। ये तो भाई ये जो स्विफ्ट है ना 2014 मॉडल, तो भाई इसका सर्विस वगैरह करवाएंगे और इसका भाई सस्पेंशन आगे ख़राब है भाई, लिंक रॉड वगैरह और इसका लोअर आर्म वगैरह जो है वो चेंज करवाएंगे भाई। और जो मेजर सर्विस होता है गाड़ी का वो होगा। और गाड़ी फिलहाल चल चुका है भाई 57 किलोमीटर समथिंग। तो भाई उसका मेजर सर्विस तो होना ही है, और मतलब गाड़ी रनिंग ज़्यादा नहीं है लेकिन भाई सर्विस मांग रही है गाड़ी। तो भाई इसको पूरा सर्विस करवाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है भाई 10, दिखा दूँ टाइम, देखो 10:06 हो रहा है भाई टाइम अभी, ठीक है। तो अभी 10:30 तक तो भाई मैं शोरूम में गाड़ी लगा दूंगा और देखते हैं भाई कि कब तक उसके बाद गाड़ी देंगे। भाई क्या रोड में आ गया भाई हम लोग, देख रहे हो। और इसमें सस्पेंशन में भाई डग डग आवाज़ कर रहा है अभी, तो देखो वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा लेकिन भाई बहुत गंदा आवाज़ कर रहा है। फाइनली शोरूम आ चुके हैं। तो भाई सब चीज़ मतलब करवा लिए हैं, सस्पेंशन वस्पेंशन का काम लगेगा भाई। गाड़ी 6:30 बजे तक मिलना चाहिए ऐसा तो है। अब देखो कब तक गाड़ी देते हैं, गाड़ी छोड़ दी है भाई हम लोग। क्या क्या चेंज होगा भैया इसमें? एंड बूस्ट चलेगा। हाँ, बैलेंस आउट में एक एंड रहता है उसका बूस्ट, और शॉकअप बूस्ट। अगर शॉकअप का प्रेशर डाउन होगा हाँ तो भी चेंज होगा, वो खुलेगा तो पता चलेगा। होगा पार्ट्स वार्स अवेलेबल? हाँ पार्ट्स होने से। तभी कितना टाइम लगेगा अभी इसका काम होने? शाम तक के सर। 8 hours later फाइनली शोरूम पहुंच गया है भाई। तो वो उसने कहा था भाई 6:50 से पहले आ जाना, तो 6:50 से पहले आ गए हैं। और गाड़ी का भाई जो बिल होगा ना मैं आपको दिखाऊंगा, आप शॉक हो जाओगे भाई। भाई इतना खर्चा है गाड़ी में, मतलब सॉकअप से लेकर लिंक रॉड लोअर आर्म क्या क्या चेंज नहीं हुआ है गाड़ी का भाई, दिखाता हूँ आपको। फिलिंग वगैरह हो चुका है, बस गाड़ी आएगा भाई अभी थोड़ा देर में। और भाई कॉस्ट की बात करूँ तो भाई भारी कॉस्ट आ गया है यार गाड़ी का, 19,800 समथिंग ऐसा कुछ आया था। तो उसमें डिस्काउंट करके भाई 18,020 रुपये, मतलब 18-14 रुपये ऐसा कुछ हुआ है। तो भाई बिल तो इतना सारा है ना, मतलब भाई सर्विस का ही 9,000 आसपास मान लेते। गाड़ी आ गई अपनी, गाड़ी रेडी हो चुकी है धूल ढाल के। तो गाड़ी को एक बार चेक करेंगे। तो भाई गाड़ी अपनी रेडी है, यहाँ पे देख सकते हो भाई चमक रही है गाड़ी एकदम नई नई जैसी। लेकिन ना शोरूम वाले भाई देखो उसका गंदगी नहीं निकाल सकते हैं भाई, देख सकते हो कैसे साफ सफाई की है। ये देख लो पूरा ठीक है यार, मतलब उतना खास साफ सफाई तो देखो नहीं हो पाता है क्योंकि यार ड्राई क्लीनिंग से ही निकलेगा ऐसा है ना, ये सब जो दाग धब्बा देख रहे हो यहाँ पे आप स्पीकर्स में। बाकी ठीक है भाई, अच्छे से साफ हो गया है गाड़ी, चमक रहा है बढ़िया। तो भाई आपको इनवॉइस बाद में दिखाता हूँ मैं आगे। तो भाई फाइनली गाड़ी में मैं आ चुका हूँ, देख लो कैसे सफाई वगैरह हुआ है भाई। बहुत चीज़ चेंज हुआ है गाड़ी में भाई, बेल्ट हो गया वगैरह वगैरह, दुनिया भर का चीज़ चेंज हुआ है गाड़ी में। तो भाई पेमेंट वेमेंट कर दिया है फाइनल, जो भी है भाई करके आ रहा है, बस पहुँच गया। तो भाई गाड़ी यहाँ से निकालेंगे और जो भी भाई बिल एक बार मैं आपको दिखा दूंगा, आप उसको पढ़ लेना भाई कि क्या क्या चेंज हुआ है। और यार एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आया भाई, सिंथेटिक ऑयल डला है गाड़ी में, और सिंथेटिक ऑयल का भाई इंडिया में क्या ही यूज़ यार, मतलब यार ठंड वंड जगह में यूज़ रहता है, यहाँ क्या ही यूज़ यार सिंथेटिक ऑयल का। मैं वही देखा बिल में 3,000 कुछ था, लेकिन अब भाई डल गया तो कुछ बोलने बनता नहीं था वहाँ पर, तो मैं कुछ नहीं बोला। तो ठीक है भाई अब क्या ही कर सकते हैं, बाकी भाई से मैं डिस्कस करूँगा बाद में। तो चलते हैं भाई, मतलब पूरा सस्पेंशन ठीक नहीं हुआ है अभी भी। तो फिर भाई देखते हैं अभी कितना फर्क आता है भाई, मेजर सर्विस हुआ है भाई की गाड़ी का बहुत टाइम बाद। तो चलते हैं भाई अभी सिटी साइड चलेंगे, बाकी एक बार ना चला के अभी देखते हैं भाई एक बार क्या सिस्टम है। ट्रिप ए अभी रिसेट कर देना, देखते हैं अब कितना माइलेज। अरे माइलेज में उतना फर्क तो नहीं आना चाहिए, देखते हैं एक बार। तो भाई अब चलते हैं,
विंडशील्ड वॉशर दिया है, बहुत बड़े मेहरबानी कर दिया भाई। 10 रुपए नहीं छोड़ रहा था, 18,000-14 रुपए हुआ था तो भाई 20 रुपए मांग रहा है, ये क्या होता है? ये भी जुड़ा होगा। हाँ लग तो रहा है क्या भाई, मतलब मारुति वाले मतलब इतना कमा रहे हैं, 20 रुपए अलग से ले रहे हैं, ये समझ नहीं आता इनका। गाड़ी ना सस्ता रहता भाई, बस हाँ बस सही बोल रहा भाई, गाड़ी मतलब सस्ता सस्ता बना दिया है भाई। जो लोअर आर्म लगा है गाड़ी में वो सेम मेरे गाड़ी में लगा है भाई, वो एक पीस 1050 का था और यहाँ पे एक पीस भाई 2400 भाई, मतलब क्या ही वो हुआ यार, बताओ ना। सेंस नहीं बन रहा भाई, कोई सेंस नहीं बन रहा भाई। एक्सेसरीज का एमआरपी वगैरह मैं देखा भाई, हाँ लिखा था 2400 मान रहा हूँ, लेकिन भाई इतना महंगा भाई, वो भी स्विफ्ट का, वो भी पुराना वाला स्विफ्ट का, i20 का सस्ता आ रहा भाई, हुंडई के पार्ट सस्ते आ रहे हैं, मतलब भाई लूट मचा रखे हैं भाई मारुति वाले। और 9000 का सर्विस भाई स्विफ्ट में। भाई एक चीज़ बताऊँ तेरे को, सिंथेटिक ऑयल डाला है तेरे गाड़ी में, जो कि इंडिया में जरूरत ही नहीं है उसका, ठंड जगह में। मैं भाई सिंथेटिक ऑयल में देखा था, कोई मतलब ही नहीं है, मैं देखा बिल में 3000 रुपये सिंथेटिक ऑयल का, और जो नॉर्मल ऑयल सब में डलता है वो 1800-1900-1500 ऐसे में आता है पता। सेल्टोस क्रेटा में नहीं डलता भाई सिंथेटिक ऑयल, सिंथेटिक ऑयल डाल के दिया है भाई, ठीक है अच्छा है मान रहा हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है ना भाई, नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखना पड़ेगा भाई। सिंथेटिक वाला था लेकिन वही ना, शोरूम थोड़ा सिंथेटिक ऑयल के लिए पूछते हैं भाई, वो तो डायरेक्ट सिंथेटिक ऑयल डाल दिया यार, ये तो गलत है भाई, मतलब क्या बोलोगे यार, जितना सोचा था उससे कम बिल बचा। और 19000 कुछ बना था ना बिल, 19773 आसपास, जैसे कुछ नहीं पता एग्जैक्ट अमाउंट, और डिस्काउंट करने बोले तो भाई 18000 कुछ किया। अभी कहीं गड्ढा उड्ढा ऐसा तो आया नहीं है कि मतलब जर्क वगैरह, मतलब जो आवाज़ करता था डक 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 सा ऐसा कुछ है ना, तो वो अभी फील तो नहीं हो पा रहा है, बाकी आगे देखते हैं थोड़ा गड्ढा उड्ढा होगा ना तो वहाँ पता चल जाएगा, यहाँ पता चलेगा भाई क्या है। देखो नहीं भाई बहुत काम हुआ है भाई, सही है नहीं क्या भाई आवाज़, नहीं नहीं ठीक बहुत चलेगा भाई, सस्पेंशन तेरा एकदम सही है भाई, रेड लाइट में लुकते नहीं भाई, देखो सेल्टोस वालों को तो भाई रुकना चाहिए ना भाई, अब रेड लाइट है कोई कब ठोक दे, ये देख ली आप चलो। तो भाई वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने का आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।